लगता है आसपास ही है। इसे छुपाना पड़ेगा। अपन गड्ढे में डालते हैं। चलो। वहीं कहीं से आई थी। एक काम करो, फैल जाओ सब लोग। अरे रेंजर साहब, नमस्ते। सुबह सुबह गांव में? अरे रेंजर साहब के लिए चाय तो लाना। नहीं, चाय नहीं पीनी है मुझे। और गांव में सब कैसा चल रहा है? जी सब ठीक ठाक है। आप सुनाइए। दुनिया कल रात जंगल में कुछ शिकारी थे। शिकारी कौन थे? हमारे गांव के? पता नहीं, हम उन्हें पकड़ नहीं पाए, लेकिन इस गांव का भी हो सकता है। अरे नहीं साहब, हमारे गांव के होते तो दक्षिण राय उन्हें छोड़ेगा नहीं। दक्षिण राय तुम्हारे इस जंगल का देवता, जो जंगल में शिकार करने वालों को मार देता है, लेकिन कोई है जो इन कहानियों से डरता नहीं और लालच में आकर जानवरों की हत्या कर रहा है। देखिए रेंजर साहब, मैं इस गांव का सरपंच हूं और अगर ये हरकत मेरे गांव से किसी ने की है तो मैं खुद उसे ढूंढ के पकड़ के आपके पास लेकर आऊंगा। वैसे आप मेरे भाई से तो मिले होंगे। नमस्कार। हरिया। नमस्कार। और ये है मेरे काका के बेटे। नमस्ते।
नमस्ते। बिरसा और मंडोल। नमस्ते। ठीक है, अगर तुम्हें कोई जानकारी मिले तो हमें खबर कर देना। जी जरूर। दादा, ये लोग यहाँ क्यों आए थे? चुप कर। ये रेंजर लोग भी आजकल बहुत चौकन्ने हो गए हैं। इन्हें लगता है शिकारी कोई हमारे गांव से ही है। तो फिर क्या करें? बाकी लाश को कैसे? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत ही पहरा है। रात को जाकर हमें बाग की लाश को निकालना होगा। लेकिन दादा, लाश सड़ गई तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे ना? ए, दादा ठीक बोल रहे हैं। पुलिस पकड़ लेगी ना तो जेल में सड़ जाओगे। कहाँ चले? मछली दाना लेना। जल्दी लौटाना, सूरज डूबते ही जंगल की तरफ निकलना पड़ेगा। सुन लेगा। अरे दादा, कौन सी चिड़िया है? पहले ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। चल। क्या हुआ? क्या हुआ बिरसा? कांटा। ठीक है, जल्दी आओ। चारों के अलावा और किसी को मालूम नहीं था। ए मंडल, बोलो तो। मैं कहा? तक झूठ मत बोलो। ए चुप करो। रेंजर लोग हमलोग को बात सुन लेगा। गांव चलकर बात करते हैं। ए बोलो, चुप, रुको। इस तरफ निकले होंगे। चलो। चलो चलते हैं। मुझे डर लग रहा है। जानवरों का डर तो मुझे भी है। बस एक बार ये रेंजर पूरी तरह से निकल जाए फिर चलते हैं। दादा, जानवरों और रेंजरों से ज्यादा मुझे दक्षिण का डर लग रहा है। चुप कर, जानवरों ने सुन लिया तो। कुछ तो बोलिए।
दादा हम हैं खारिया, खोलो दरवाजा। अरे कब से दरवाजा खटखटा रहा है, खुलते नहीं आप? ओ दादा, वो बाघ मरा नहीं होगा, बदला लेने के लिए मेरे घर तक आ गया। क्या बोल रहे हो दादा, आप बहुत डर गए हो। दादा घायल बाघ बहुत खतरनाक होता है, आदमखोर बन जाता है। मैं तो कहता हूँ रेंजर साहब को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, कहीं गांव में भी वो हमारे तुम्हारा तुम्हारा खराब हो गया। रेंजर को सब बताओगे तो सबको जेल हो जाएगी। बिरसा मर गया, रेंजर को तो वैसे भी पता चल जाएगा कि जंगल में एक आदमखोर भाग है। अब हमें उसे कुछ बताना नहीं होगा। रेंजर साहब, रेंजर साहब आप कैसे हैं? जुलिया तुम्हारा भाई, क्या नाम है उसका, बिरसा? हाँ, क्या हुआ बिरसा को? कल वो जंगल गया था। हाँ गया था, मद निकालने गया था। बोलिए क्या हुआ? उसकी लाश मिली है जंगल में। लाश? 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 जरूर भागने वाला होगा। नहीं, ये काम किसी बाघ का नहीं, उसका खून किया गया। आप लोग चलिए, मैं लाश दिखाता हूँ। तो संभालो अपने आप को। दादा संभालो साहब, आप तो बोल रहे थे कि उसका खून हुआ, लेकिन ये तो किसी बाघ का काम लग रहा है साहब। आप लोगों ने तो बहुत सारे शिकार देखे होंगे, क्या लगता है आपको ये काम किसी बाघ का है? क्योंकि बाघ कभी अपने शिकार को छोड़ के भागता नहीं। नहीं सर, यहाँ पे किसी बाघ के पैरों के निशान नहीं है, यहाँ सिर्फ इंसानों के पैरों के निशान है, वो भी तीन। निशान देख के लगता है कि दो लोग चल रहे थे और तीसरे ने पीछे से हमला किया, एक बच के भाग गया, लेकिन बिरसा बच नहीं पाया। ये बिरसा जंगल किसके साथ गया था? साहब वो अक्सर अकेले ही आता था। साहब यहां तो किसी इंसान के हाथ के भी निशान है, और बिरसा के शरीर पर जो दांत के निशान है वो भी किसी बाघ के तो नहीं लगते। दक्षिणराय, ये पक्का दक्षिणराय का ही काम है। दक्षिणराय? लेकिन तुम्हारा दक्षिणराय तो सिर्फ शिकारियों को मारता है। बिरसा भी शिकारी? सब वो बिरसा ना सिर्फ मद लेने आता था जंगल, और ये है ना सब, ये लाश देख के घबरा गया। ए मंडल चलो इधर आ। दादा Ha ha ha!
क्या लगता है आपको कौन कर सकता है ये? दादा ये दक्षिण राय का ही काम है। ए, चुप। दादा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहानी है। बिरसा को देखे ना, उसकी क्या हालत हुई है। नहीं नहीं, ये काम किसी बाग का नहीं, कुछ और ही है। देखो अगर ये दक्षिण राय है ना, तो एक बात याद रखो, हमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। दादा आप डरे हुए हो हाँ? अरे कुछ सोचो ना आप, ये काम किसी जानवर का ही है, जैसे बाघ या कोई और। अरे कोई आदमी अपने दांत से किसी आदमी का हाथ काट के ऐसे ले जा सकता है क्या? नहीं ना। नहीं, मैं तो हो जाके बाजार, वो हम लोग को बचाए। अरे दादा संभालो अपने आप को। दादा देखो आपको ज्यादा डर लग रहा है ना, एक काम करते हैं, गांव के बाहर पहरा लगा देते हैं, ठीक है? देखो अगर बाघ दिखे तो गोली मार देना, मैं उस तरफ जाके पहरा दूंगा। चल जाओ मंडल। ठीक है दादा, जाओ ना। दादा आप चिंता मत करो, बाघ गांव में नहीं आएगा। हाँ जाओ जाके सो। दादा कोई भाग नहीं था, मैं भी तो यही हूं ना। हाँ आप ना अपने मन से ये डर को निकाल दीजिए, ठीक है? कोई भाग नहीं है, यही सो जाइए। Thank you.
मतलब इसका मतलब कल मुझे पूजा के पास जाना पड़ेगा। रोजा हमें बचा लो रोजा, एक तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। रोजा रोजा अपनी आंखें खोलो, रोजा रोजा हमें बचा लो। क्या हुआ? हमें दक्षिण राय से बचा लो ओझा। दक्षिण राय? हाँ, वो हमें बाघ के रूप में मारने की कोशिश कर रहा है। हमें बचा लो ओझा। लेकिन दक्षिण राय तो सिर्फ उन्हें मारता है जो जंगल का अपकार करते हैं। क्या किया तुम लोगों ने? हमने बाघ का शिकार किया। ओझा हमें बचा लो, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, है ना? ठीक है। ओझा यही वो जगह जहां हमने उस बाघ को मारा था। तुम्हारा सुरक्षा घेरा है, इसके अंदर तुम दक्षिण राय से सुरक्षित रहोगे। इस सुरक्षा घेरे के बाहर दक्षिण राय तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। का टुकड़ा बाघ का चारा है, इसकी बू से बाघ यहां तक आएगा। इस घेरे के अंदर ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, बाहर मत निकलना। दक्षिण राय, बाहर आओ दक्षिण राय। गुलियार मंडोल अपने पापों की क्षमा मांगने आए हैं। हाँ,
मैं बोन बीवी का उपासक तुम्हें आदेश देता हूं, बोलो। तो भागना मत। बोन बेबी हमारी रक्षा करो। 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 हमें क्षमा करो। हमें क्षमा करो। दक्षिण राय, इन्हें अपने पापों का एहसास है, छोड़ दो इन्हें। अरे मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें छोड़ेगा नहीं, एक एक करके वो सारे शिकारियों को मार रहा है और मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो शक्तिशाली है वो। ठीक है, मैं रेंजर साहब को सब सच सच बता दूंगा, अब वो ही मुझे बचा सकते हैं। तुम इस गांव के सरपंच हो और तुम ही ये सब। हमसे गलती हो गई साहब, हमसे गलती हो गई, हमें बचा लीजिए साहब, हमें बचा लीजिए। हंटिंग मार्टी तैयार करो सर। साहब ये दक्षिण राय है, कोई बाघ नहीं, आप इसे पकड़ नहीं सकते हैं। आप चुप रहिए, दुलिया पहले तुम्हारे घर चलेंगे, तुम्हारे भाई को अरेस्ट करने, उसके बाद उस आदमखोर को पकड़ें। तुम्हारे पति शिकार करते हैं, तुम्हें पता है ना? हाँ? खारिया कहाँ है? वो अभी कुछ देर पहले चला गया कहीं। भागकर जाएगा कहाँ? आज रात हम जंगल जाएंगे और तुम उस आदमखोर को पकड़ने में हमारी मदद करोगे। मैंने सब मुझे जेल भेज दिया सब, लेकिन जंगल में तुम चुप। ले चलो इसे। अरे बस सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, अरे अरे पर एक काम करो, जल्दी से ढक दो इसे।
जल्दी जल्दी जल्दी। Take a position. Fast. Come. साहब ये ऐसे नहीं आएगा। चुप, एकदम चुप, आवाज नहीं। आपको दक्षिण राय देखना है ना, इसे मांस का चारा डालकर नहीं बुला सकते, सही चारा डालना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या किया तुमने? पागलों की हो तुम? क्या कहाँ जा रहे हो तुम? पागलों की हो तुम? क्या जो बाघ मांस के मुंह से नहीं आया वो इसके खून के मुंह से आ जाएगा? लिया तुम्हारे दक्षिण राय को। कम ऑन, मेरे बाइक को गोली मत मारना। ट्रैंकलाइजर है, मरेगा नहीं, सिर्फ बेहोश होगा। ओजा, मेरा भाई बच जाएगा ना? दक्षिण राय खारिया के अंदर है। खारिया अगर उसे अपने अंदर से निकाल सके तो ही वो बच पाएगा, नहीं तो नहीं तो नहीं तो इसे मैं तो क्या, इसे कोई भी शक्ति नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, मरने नहीं देंगे मेरे भाई को। जा दुलिया, ये तुम्हें मार डालेगा, ये हम सबको मार डालेगा। कोई भी धुएं की रेखा के अंदर नहीं जाएगा। जब खारिया जागेगा तब दक्षिण राय बहुत गुस्से में होगा।
तो मैं ना कहूँ कोई गोली नहीं चलाएगा। खारिया दक्षिण राय को अपने शरीर से बाहर निकालो, सिर्फ तुम ही अपने आप को बचा सकते हो। खारिया, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? दादा मुझसे गलती हो गई दादा, मुझे माफ कर दो दादा। खारिया तुमने क्या किया? दक्षिण राय तुम्हारे अंदर कैसे आया? दादा दादा मैं लालच में आ गया था दादा। उस बाघ की लाश को अकेले बेच के सारे पैसे खुद रखना चाहता था, इसीलिए उस दिन अकेले जंगल आ गया दादा। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था। तुम्हें दक्षिण राय ने अपने वश में कर लिया है खारिया, क्योंकि तुम लोगों ने उस बाघ की बेरहमी से हत्या की है, और अब वो सिर्फ तुम ही उसे अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हो। दक्षिण राय तुम्हारे शरीर को छोड़ेगा नहीं, वो अपना बदला लिए बगैर शांत नहीं रहेगा। तुम्हें लड़ना पड़ेगा। दक्षिण राय, इसके शरीर को त्याग दे, बाहर निकाल इसके शरीर से। पकड़ो उसे। यस सर।
दुनिया मार डाली से